किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को सहारा देगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दुधारू पशुओं में इंजेक्शन से दूध निकालने की होगी जांच। विदेशों में दलहन की खेती की तैयारी। दशहरी आम इस साल सस्ता होने की संभावना और गन्ने के खेतों में बनेगा हेल्थ कार्ड। और अब कृषि समाचार विस्तार से। खेती में बार बार होने वाले नुकसान से किसानों को सरकार मुद्रा योजना का सहारा देगी। केंद्र सरकार का इस योजना के माध्यम से गांवों में ऐसे गैर कृषि धंधों को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी की प्राप्ति होती रहे और कृषि आय में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत गांवों में सूक्ष्म और लघु स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण परिवहन सेवा और टेक्सटाइल व हैंडलूम आधारित छोटे मोटे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रकार का लोन बिना कुछ गिरवी रखे दिया जाता है। वर्तमान में किसानों की मात्र 8% आय ही गैर कृषि कारोबार से होती है। दुधारू पशुओं में दूध निकालने के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन के असर की केंद्र सरकार जांच कराएगी। केंद्रीय पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय ने देश भर के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के आला अफसरों की उच्च स्तरीय बैठक में गाय व भैंसों को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने की जांच के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंजेक्शन से दूध निकालने के प्रभाव की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा भैंस के बच्चों को युवा होकर बच्चा देने लायक होने में लगने वाली अवधि में कटौती के साथ ही देसी प्रजातियों की भैंस और गायों के विकास पर जोर देने का फैसला लिया गया। दाल की कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के चलते सरकार देश में दाल का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही विदेशों में दाल की खेती की तैयारी कर रही है। इसके लिए कनाडा, म्यांमार, अमेरिका और अफ्रीका के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। म्यांमार से दाल आयात करने के सिलसिले में खाद्य मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही म्यांमार जाकर इस बारे में प्रयास करेगा। दालों की कॉन्ट्रैक्ट खेती से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कम कीमत पर तय मात्रा में दाल उपलब्ध कराई जा सकेगी। सरकार इस योजना में कारोबारियों को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार बंपर पैदावार के चलते दुनिया भर में खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर दशहरी आम इस साल लोगों को सस्ता मिलने की उम्मीद है। हालांकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। वर्तमान सत्र में इस बार आम की पैदावार 8 लाख टन अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में इस बार दशहरी के साथ ही आम की पैदावार बढ़त के साथ लगभग 48 लाख टन रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल आम की पैदावार 40 लाख टन ही थी। इस बार रिकॉर्ड पैदावार के चलते आम के 25 से 40 रुपए प्रति किलो बिकने की संभावना है और पिछले साल के मुकाबले इस बार आम का आकार छोटा होगा। प्रदेश में सभी चीनी मिल क्षेत्रों में किसानों के खेतों की मिट्टी का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से खेत की मिट्टी के मुख्य पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को दी जाएगी और उन्हें पता चल सकेगा कि उन्हें किन उर्वरकों या खाद का कितना प्रयोग करना है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के निदेशक और विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस बैठक में प्रदेश की गन्ना उत्पादकता बढ़ाने, चीनी मिलों की चीनी परता में वृद्धि करने और इसके टिकाऊ विकास के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करने के साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए चीनी मिलों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने और मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए हरी खाद और फसल चक्र को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 6 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016-17 के खरीफ सीजन में लागू करने के बाद इसे आगामी रबी सीजन में भी लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना में अमरोहा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, शामली और श्रावस्ती जिले शामिल नहीं होंगे। रबी सीजन में ये योजना गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों और आलू की फसलों पर लागू होगी। प्रतिकूल मौसम के चलते बुआई न कर पाने, बुआई में असफल होने, प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों व अन्य जोखिम से फसल नष्ट होने की स्थिति में नुकसान का आकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ऋणी और गैर ऋणी किसान खरीफ के लिए 31 जुलाई और रबी के लिए 31 दिसंबर तक प्रीमियम की कटौती कराते हुए योजना में शामिल हो सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। किसान भाइयों, इन दिनों गन्ने के खेत सूखने लगते हैं, इसलिए इनमें सिंचाई का ध्यान रखें और सही तरीके से निराई गुड़ाई करते रहें।
गन्ने की फसल में किसी रोग या कीट के लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञों से सलाह कर उचित उपचार करें। धान की नर्सरी डालने का काम पूरा करें। इन दिनों अरहर की बुआई की तैयारी की जा सकती है, इसके लिए बीजों को कार्बन जिम से उपचारित करना ना भूलें। अरहर की बुआई के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। हल्दी के खेतों में भी सिंचाई के साथ यूरिया का ध्यान रखें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भाव की। प्रदेश की मंडियों में धान का प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1300 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1385 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा 1270 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1380 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 2280 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 2200 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 2060 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2180 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 2260 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं, लखनऊ 1560 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1560 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा 1560 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1650 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1580 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं रहा। मसूर, लखनऊ 7025 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 7200 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 6470 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 7180 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 7300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। उड़द, लखनऊ 11850 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 13300 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 12400 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 12800 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 12950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से उड़द रहा। चने के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 5450 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6400 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 5880 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 5640 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 6050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से चना रहा। गुड़, लखनऊ 3300 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3400 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 3150 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3200 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में गुड़ 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। आलू, लखनऊ में 1275 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1275 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 1220 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1280 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में आलू 1150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। टमाटर, लखनऊ में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 1250 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1650 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से टमाटर रहा। प्याज, लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 850 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 840 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 800 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बैंगन, लखनऊ में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1300 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 1050 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 800 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 785 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों,
आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन अगर हम मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि ये जून का जो महीना है इसमें हम तालाब की तैयारी करते हैं, और अगर हमारी तालाब की तैयारी सही से हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा मत्स्य पालन सफल होगा और हम लाभ की स्थिति में रहेंगे। तालाब की तैयारी में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री सुनील कुमार सिंह, मत्स्य निदेशक मत्स्य निदेशालय लखनऊ से। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सिंह साहब हमें जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई तालाब की तैयारी करना चाहते हैं, तालाब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह की भूमि का चयन करें? देखिए, मछली पालने के लिए तालाब में जल की मात्रा कम से कम 5 फीट रहनी चाहिए, तभी वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त होगा। तो उस तालाब की जो मिट्टी की संरचना है उसमें 40% बालू, 30% क्ले और 30% सिल्ट होना चाहिए, या ये कहें कि दोमट मिट्टी जो है तालाब के लिए अच्छी होती है। और इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक साधारण सा प्रायोगिक विधि भी है कि मिट्टी को हम ले करके उसको हम थोड़ा सा पानी से गीला कर लें और उसके लड्डू बना करके अगर हम करीब 6-7 फीट दूर से किसी ठोस दीवाल पर या उस पर मारें तो अगर दीवाल पर मिट्टी जाकर चिपक जाती है तो वो मिट्टी जो है और वो 2 मिनट के बाद छोड़ देती है, तब तो वो मिट्टी तालाब के बनाने लायक उपयुक्त है। उपयुक्त मिट्टी है। हाँ, उपयुक्त मिट्टी। बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उसके गोले बना करके दीवाल पर मारें जोर से मारें और उसके बाद वो 2 मिनट बाद अगर दीवाल छोड़ देती है तो वो मिट्टी तालाब के लिए उपयुक्त है। यदि अगर गोला जो है रास्ते में ले जाते मारते समय बेग बेटे टूट जाए तो उसमें बालू का अंश बहुत ज्यादा है और वो उसमें पानी नहीं रुकेगा, इसलिए वो अनुपयुक्त स्थान माना जाएगा। जी। और यदि दीवाल पर वो जाकर चिपक गई और चिपकी ही रह गई, छूटी नहीं हाँ। तो उसका मतलब है उसमें जो है चिकनी मतलब क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उससे भी मछली का उत्पादन उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छी विधि बताई सिंह साहब आपने कि इस तरह से हर किसान अपने हिसाब से उसको परीक्षण कर सकता है, कहीं लैब में जाने की जरूरत नहीं, प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो किसान भाई तालाब तैयार करते हैं, मान लिया उनकी मिट्टी ठीक है, उसके बाद उसका कुछ तैयारी के साथ जैसे पानी उसमें भरा तो उसका उपचार करना भी जरूरी होता है? जी, वैसे इस समय जो कि गर्मी का समय पड़ रहा है और तालाब की जल स्तर कम हो रहा है तो ये सबसे उपयुक्त समय है कि हमें तालाब में पानी ज्यादा से ज्यादा बनाए रखना है। तो इस समय हम अपने वार्षिक अनुरीक्षण करते हैं, पुराना तालाब है तो तालाब के बंधों में यदि कहीं कोई दरार आ गई है या मिट्टी पानी के साथ कहीं बह गया और
और बंधा कमजोर हो गया है तो उसका पुख्ता मजबूती करा दें सूखी मिट्टी के साथ। और साथ ही साथ अगर तालाब के तलछट पर कोई जलीय खरपतवार ज्यादा हो गया है तो उसको भी निकालें, क्योंकि आंशिक मात्रा में या संतुलित मात्रा में जलीय खरपतवार मछली पालन के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन यदि खरपतवार आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उसे मछलियों के जो आसानी से तैरने में या उनके बढ़ोतरी में वह बाधक बनता है, और उसमें तरह तरह के परजीवी भी उसमें निवास करते हैं जो मछलियों को जाड़े के वक्त बीमारी फैलाने का भी काम कर सकते हैं, तो उनका नियंत्रण भी करना आवश्यक है। पुरानी मछलियां यदि तालाब में हैं तो उनका भी निष्कासन कर दें, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मई जून में तालाब अधिकांश सूख जाते हैं, और यदि उनका निष्कासन नहीं किया गया तो मत्स्यपालक को आर्थिक नुकसान हो सकता है। सिंह साहब, ये तो बात हो गई खरपतवार निकालने की, लेकिन कई बार सुना गया है कि जल का भी उपचार करना पड़ता है, क्या ऐसा कुछ होता है? किसान भी कैसे करते हैं उसको, जो पानी भरा है उसका उपचार? जी हाँ, जिस तरह से खेती के लिए हम मिट्टी और पानी की जांच कराते हैं उसी तरीके से हमें अपने तालाब की भी मिट्टी और पानी की जांच करा करके ये देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई ऐसा पोषक तत्व तो तालाब में कम नहीं हो गया है जिसको हमें फिर से बनाए रखना है, तो इसलिए मिट्टी और पानी की जांच भी करा लेना इस समय उपयुक्त होता है। जी। जैसे आप मिट्टी के लिए अलग अलग स्थानों पर तालाब के 1 फीट 2 फीट 3 फीट और 4 फीट की गहराई से अलग अलग जगहों से आप मिट्टी निकालें और उनको सैंपलिंग कर लें, उस पर लिख लें कि ये 1 फीट की गहरी मिट्टी है, ये 1-2 फीट से है, और उसके बाद हमारे विभागीय जो जनपदीय अधिकारी हैं उनके कार्यालय में उन मिट्टी के सैंपल को अपने नाम और पते के साथ दे दें मोबाइल नंबर। जिले पर सुविधा उपलब्ध है? जी हाँ, जिले पर ये सुविधा उपलब्ध है। जिले पर ये मिट्टी पानी का कलेक्शन होता है और ये मंडलीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए जाता है, और फिर मत्स्यपालक बार उसमें क्या जो रिपोर्ट आती है, आख्या आती है, वो उनसे अवगत करा दिया जाता है, साथ ही साथ कोई कमी है तो उसके उपचार के लिए भी मत्स्यपालकों को बताया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई जो हमारे किसान भाई नए तालाब बनाना चाहते हैं। तमाम हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं, मत्स्यपालक भाई ऐसे होते हैं जो परंपरागत रूप से तालाब हैं गांव में या आसपास, उसमें भी मछली पालन करते हैं, वो इस समय क्या करें? जी हाँ, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालाबों का बंधा मजबूत करें, और साथ ही साथ जो अगर पानी के आने का साधन और पानी आवश्यकता से अधिक निकालने की आवश्यकता पड़ी तो उसको निकालने के साधन अर्थात इनलेट जिससे पानी आता है और आउटलेट आवश्यकता से अधिक जलस्तर होने पर उसको निकालने का साधन, यह देख लें कि तालाब का सही तरीके से बना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अतिवृष्टि में या बाढ़ की स्थिति में तालाब का बंधा क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट जाए और उसमें संचित मछलियों के बच्चे या मछली निकल जाए, तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। वैसे आयताकार तालाब जो होता है जी, वो ज़्यादा बढ़िया होता है, उसमें चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, और उसमें मछलियों की कसरत भी अच्छी हो जाती है जिससे मछलियों की वृद्धि भी अच्छी होती है, तो उनको दौड़ धूप खेलने का मौका मिल जाता है। अच्छा। और साथ ही साथ शिकार माही करते समय जब वो मछलियां बाजार के साइज की हो जाती हैं तो उनको निकालने में भी कम श्रम शक्ति में ज्यादा मछलियां निकाली जा सकती हैं, इसका भी असर पड़ता है। सिंह साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब हमने तालाब में पानी भर दिया और तालाब के पानी की स्थिति भी कुछ हमें बरकरार रखनी है कि इतना ही पानी रखना चाहिए या इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा मछली पालन में? जी हाँ, मछली पालन के लिए जो तालाब का जल स्तर है वह कम से कम 4 फीट अवश्य होना चाहिए, और उसमें ताकि सूरज की रोशनी भी जा सके अच्छी तरीके से, और उसके साथ ही साथ जो तरह तरह की जो हमारे स्तर पर मछलियाँ पाली जाती हैं वैसे आदर्श रूप में तालाब में 6 फीट पानी होना चाहिए जी, और उसमें हम 3 देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे कतला, रोहू और नैन जिसको हम लोग इंडियन मेजर कार्प कहते हैं, और उनके साथ ही साथ उनकी 3 विदेशी नस्ल की मछलियाँ कामन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प, ये तीनों प्रजाति और 3 प्रजाति देसी और विदेशी मिला के 6 प्रजाति की मछलियाँ एक तालाब में पाली जा सकती हैं, और उसका लाभ तभी मिलता है जब तालाब का जल स्तर सही सलामत हो, मतलब 6 फीट होना चाहिए, भरा रहना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम 6 फीट तक पानी रखते हैं तो आदर्श स्थिति है, मछलियों का उत्पादन अच्छा होगा। सिंह साहब, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे हमने पानी भर दिया 6 फीट, लेकिन उसमें कुछ पोषक तत्व तो डालने की भी जरूरत पड़ती है ऐसा सुना जाता है, तो वो क्या है, किस तरह से हम खाद या जो डाली जाती है उनका मात्रा क्या रखें और कब कब डालें, कैसे डालें? हाँ, उसके लिए हमें अपने जो देसी खाद है गोबर की खाद जिसे कार्बनिक खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, पुराने तालाब के लिए वार्षिक जो उसकी होती है क्षमता जो डालने की होती है वो 5 टन होता है जी। और अगर नया तालाब बनाया है किसी किसान ने तो वो 10
टन होता है और इसको 10 किस्तों में दिया जाना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यह भी सलाह देता हूं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में कृपा करके कार्बनिक खाद का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सूरज की रोशनी कम होने के कारण से और दिन की अवधि भी कम होने के कारण से ऑर्गेनिक लोड तालाब में ज़्यादा होता है और उस कारण से मछलियों को बीमारी फैलने की संभावना हो जाती है। और जो भी आप उसमें कार्बनिक खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता और वो आपका अपव्यय माना जाएगा, खराब हो जाता जी। है। कहने का मतलब है कि जब ज्यादा जाड़ा पड़ रहा हो तो उसमें खाद नहीं देनी चाहिए। हाँ, लेकिन बुझे हुए चूने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। वो कितने कितने समय? हाँ, बुझा हुआ चूना जो है, चूंकि पानी के पीएच जिसमें मछली पाली जाती है और उसका 7.2 से 8.5 का जो पीएच मान होता है वो उपयुक्त होता है, और गोबर की खाद जो होता है वो पानी के पीएच को कम कर देता है। तो उसको संतुलित करने के साथ साथ गोबर में अन्य परजीवी आ सकते हैं तो उनको मारने के लिए, उनको शांत करने के लिए, और साथ ही साथ पानी में गोबर के घुलने से जो धुंधलापन आ जाता है उसको भी साफ करने के लिए बुझा हुआ चूना इस्तेमाल किया जाता है। और बुझा हुआ चूना गोबर की खाद डालने के एक सप्ताह के अंतराल पर 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुझा हुआ चूना डालना चाहिए। बुझा हुआ मतलब पहले भिगो दें उसके, हाँ, उसके ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, अन्यथा पानी जहां आप डालेंगे वो पानी उबलेगा और वहां पर मछलियों को नुकसान हो सकता है। सुनील कुमार सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। लखनऊ के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। रविवार की सुबह बूंदाबांदी से गर्मी में राहत मिली, लेकिन दोपहर में उमस और तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। वहीं सोमवार को चटक धूप से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले एक दो दिन में फिर आंशिक बादलों के साथ हल्की बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 36 से 41 डिग्री रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 25 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 19 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाइयों, जून की गर्मी और लू से अपने मवेशियों को बचाने का इंतजाम करें। गाय और भैंसों को दिन में धूप से बचाएं, इन्हें रात में बाहर खुले में बांधा जा सकता है। इसके अलावा विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180514141 पर फोन करके पशुपालक लू की सूचना देकर विभागीय सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी में मछली पालने वाले तालाब सूखने लग जाते हैं, इसलिए उनकी मरम्मत कराएं, साथ ही तालाब की सफाई का भी ध्यान रखें। मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए शेडों के अंदर कूलर का इंतजाम करें और शेड की जालियों पर जूट के पर्दे लगाकर पानी से भिगोते रहें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।